शिक्षक ही समाज को सही दिशा पर ले जाने का दायित्व निभाता है। विद्यालय में आने वाले बच्चे का भाग्य शिक्षक के कंधे पर होता है। शिक्षक जैसी शिक्षा देगा, बच्चा वैसा ही आगे चलकर अपने जीवन का निर्वहन करता है। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को भी समाज के उत्थान के लिए अच्छी दिशा देने का प्रण लेना चाहिए। ये बात माडलगढ़ के विधायक गोपाल खंडेलवाल ने चवरा के बालाजी स्थित पत्रकार संघ कोटड़ी द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकारों की विश्वसनीयता व निष्पक्षता बरकरार रखते हुए पत्रकारिता करने पर जोर दिया। वहीं पंचायत समिति सदस्य दिलीप सिंह ने कहा कि समाज को आयाम दिलाने के लिए शिक्षक और पत्रकार की विशेष भूमिका होती है। वहीं बल्लियास थाना प्रभारी राजेंद्र ताड़ा ने कहा कि शिक्षक भाग्य विधाता होता है, उन्हें भविष्य की ओर निगाहें रखकर भविष्य निर्माण की नींव डालनी चाहिए ताकि व्यक्ति आगे जाकर अपने देश, गांव और माता पिता का नाम रोशन कर सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन व पत्रकार एक दूसरे की धुरी है, खबर के साथ दूसरे पहलू को भी ध्यान में रखकर खबर बनानी चाहिए ताकि निर्दोष व्यक्ति का अहित न हो। इस दौरान पत्रकार संघ के कार्यकारी अध्यक्ष भवानी शंकर चौधरी ने शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डाला तथा पत्रकारों को कोटरी में भूखंड दिलाने के लिए विधायक से आग्रह किया। इस अवसर पर शिक्षक शांतिलाल पोखरणा ने भी विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार संघ के संगठन मंत्री भेरू चौधरी ने किया। बैठक में शिक्षक यूनुस परवेश मेवाती, श्याम सुंदर पारासर, गायत्री देवी व्यास, शांतिलाल पोखरणा का सम्मान किया गया। पत्रकार संघ कोटड़ी अहम बैठक में कोटड़ी में भूखंड आवंटन व पत्रकार साथी भ्रमण कार्यक्रम के अलावा अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया। बैठक में उपखंड के समस्त पत्रकार एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बाहर निकालते हैं ना। क्या उसके बगैर तो।